Yeah, presenting by Lucky Films Leswa. Haldi Ghati mein samar ladya, Haldi Ghati mein samar ladya. वो चेतक रो असिवार कठे मायड़ थारो वो भूत कठे वो एकलिंग दीवान कठे वो महाराणा प्रताप कठे वो महाराणा प्रताप कठे तो कवि ने लिखा मैं बाचो है इतिहास में मैं बाचो है इतिहास में मायड़ थे एड़ा पूत जड़िया धनवान लजायो नहीं थारो वान लजायो नहीं थारो रणधीरा में सरदार बढ़िया बढ़िया रणधीरा में सरदार बढ़िया प्यारे मन सूबा दिला प्यारे मन सूबा दिला सारा पड़ गया उन रे आगे वो झुक्यो नहीं नर नारियो अकबर री से नारे आगे अकबर री से नारे आगे अकबर री से नारे आगे हिंदुआ सूरज में वाड़ी रतन ओ हिंदुआ सूरज में वाड़ी रतन वो महाराणा प्रताप कठे मायड़ थारो वो पूत कठे वो एकलिंग दीवान कठे वो महाराणा प्रताप कठे और देखिए हल्दी घाटी की जो मिट्टी है उसकी महत्ता बड़ी सुंदर तरीके से बताई गई है और वहां पे अक्सर कई पर्यटक आते हैं और वो मिट्टी वहां से अपने साथ में भर करके ले जाते हैं और बड़ी सुरक्षित तरीके से रखते हैं और दूसरों से भी कहते हैं कि हम वहां गए थे और वहां की ये मिट्टी है। तो कवि ने बड़ी सुंदर रचना लिखी है हल्दी घाटी की माटिया माटी हल्दी घाटी की या लागे केसर और चंदन है लागे केसर और चंदन है लागे केसर और चंदन है माथा पे तिलक कराइन रो
माथे पे तिलक करा इन रो इन माटी ने नित वंदन है, इन माटी ने नित वंदन है, इन माटी ने नित वंदन है। यारण भूमि थी रक्त भूमि, दर्शन करवा मन ललचावे। उन वीर शूर मारी यादा हिवड़ा में जोश जगा जावे, हिवड़ा में जोश जगा जावे, हिवड़ा में जोश जगा जावे। ओ स्वामी भक्त चे तकरी कापा, स्वामी भक्त चे तकरी कापा, री टप टप आवाज कठे। मायड़ थारो वो कुंद कठे, वो एक लिंग दीवान कठे, वो महाराणा प्रताप कठे। तो जिसमें महाराणा प्रताप युद्ध क्षेत्र के लिए रवाना होने लगे, उस समय महाराणा प्रताप के अर्धांगिनी ने किस प्रकार चेतक से कहा, बड़ी सुंदर बात है। ओ पवन वेग से उड़ने वाले घोड़े, तुझ पे सवार है जो मेरा सुहाग है, वो रखियो रे आज उनकी लाजी हो। पवन वेग से उड़ने वाले घोड़े, तुझ पे तो भारी आज पूरे मेवाड़ का, करना पड़ेगा तुझे सामना पहाड़ का। रखियो रे आज उनकी लाजी हो, हो पवन वेग से उड़ने वाले घोड़े। और साथ में जो वीर सैनिक, उनसे क्या कहा, सुन जो मेवाड़ी सिरदारो, सुन जो मेवाड़ी सिरदारो, देव वचन उठा तलवारो, करणो खात्मो इन मुगलारो। सुन जो सिरदारो, गढ़ चित्तौड़ आजाद कराणो, झंडो केसरिया लहराणो। सुन जो सिरदारो, सुन जो सिरदारो, सुन जो सिरदारो, हो सुन जो सिरदारो। और आज के समय में ये लाइन मुझे लगता है गाना उचित नहीं है कि ये कश्मीर भारत का है, क्योंकि हो चुका है। दुश्मनों के लिए लिखा कि चावल में शक्कर क्या मिलाई, चावल में शक्कर क्या मिलाई तुम खीर समझ बैठे। और कुछ गद्दारों ने पाकिस्तान के नारे क्या लगा दिए, तुम कश्मीर को अपने बाप की जागीर
समझ बैठे। हर कर्म अपना करेंगे, हर कर्म अपना करेंगे, ऐ वतन तेरे लिए सुनहरी अंबर नीला, धरत सुनहरी अंबर नीला, हर मौसम नीला। ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा। और कहीं ने लिखा कि कहीं भी घूम जाओ, चाहे चारों धाम घूम जाओ, पर जिसने राजस्थान की यह भूमि, वीर योद्धाओं की भूमि पे जिसने भ्रमण कर लिया है, उसको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहां पे बलिदान की इतनी गाथाएं सुनने को मिलेगी कि सब तीर्थ करेंगे तो उसके पीछे फल यहां पे ज्यादा मिलेगा। बताया कुंबलगढ़ गोकुंदा चावंड हल्दी गाठी और कोलियारी, मेवाड़ भोमरा तीरथिये राणा प्रताप ने बलिहारी, कई हरिद्वार काशी मथुरा, कई हरिद्वार काशी मथुरा, पुष्कर गंगा में स्नान करो। सब तीर्था को फल मिल जावे, मेवाड़ भोम में जद निकलो, मेवाड़ भोम में जद निकलो, मेवाड़ भोम में जद निकलो। कभी माधव नमन करे सती सती, कभी माधव नमन करे सत सत, मोती मंदिरी में आज अपे। मायड़ थारो वो कठे, वो एक लिंग दीवान कठे, वो महाराणा प्रताप कठे,
देखिए हमारी भारत की प्रमुख विशेषता है कि यहाँ पे लोग एक दूसरे दर्द को समझते हैं और हमेशा यहाँ पे एकता बनी रहती है। तो बड़ी सुंदर लाइनें लिखी हुई है, जीते हैं किसी ने देश तो क्या, हमने तो दिलों को जीता है। हो इतने पावन है लोग यहाँ, मैं नित नित शीश झुकाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत का रहने वाला हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत का रहने वाला हूँ। काले गोरे का भेद नहीं, हर दिल से हमारा नाता है। शीश झुकाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। बोलिए महाराणा प्रताप की।